हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांगा ट्रेनिंग इंडिया और मंचिलिशियस ग्रेनिला द्वारा दी ऑ अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें देश से अलग अलग जगहों से भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और कई महिलाएं विजेता बन अवार्ड जीती। बता दें कि द ऑ अवार्ड्स का आयोजन दूसरी बार किया गया है। इससे पहले 2020 में ये आयोजन किया गया था। कोरोना काल के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस वर्ष भी यह कार्यक्रम ऑनलाइन ही संपन्न हुआ। यह अवार्ड महिलाओं के समाज में बेहतरीन प्रदर्शन और उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें दिया जाता है। अवार्ड का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को खुद को आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करना और समाज के प्रति महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की सफल महिलाओं को उपलब्धियों को स्वीकार करना है। इस बार यह कार्यक्रम 8 अगस्त 2021 को रविवार के दिन किया गया था। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन होस्ट किया था रिया रेले सिंह ने और इसमें मुख्य रूप से जुड़ी रहीं अभिनेत्री सस्मीली सूरी, अभिनेत्री और इन्फ्लुएंसर श्वेता रोहिरा, रेस्टोरेंट और शेफ अदिति लुनिये कामत, होम्योपैथ वेलनेस डॉक्टर यात्री ठाकर, राह फाउंडेशन की डायरेक्टर सारिका कुलकर्णी, ब्लूम बदगले पीआर की ओनर डायना फर्नांडिस। वहीं अगर बात करें विनर्स की तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: डॉक्टर मनीषा लोकारे, श्रेयसी कोनार, केना थंडानी, श्रेया गौतम, अक्षिता रंगनेकर, सपना कोडके, शबाना कौसर, भावना जैन, अंतरा भट्टाचार्य जी, कीर्ति अहुजा बेरी, अंकिता कुलक्षेत्रा, निधि बंसल, जुवेरिया नुसरत। और तीसरे पायदान पर रहीं डॉक्टर मेघा शर्मा, डिंपल झवेरी, सुस्ती जैन, रेणुका तलरेजा, नैना सिंघानिया और ज्योति अग्रवाल। अगर बात करें इस अवार्ड कार्यक्रम के प्रायोजकों की तो वे नाम कुछ इस तरह थे। पहले शीर्ष प्रायोजक थे मंचिलिशियस ग्रेनोला और दूसरे दो सहयोजक प्रायोजक थे फैट टू फिट। कांगा ट्रेनिंग इंडिया की संस्थापिका पूजा जांबोटकर हैं और मंचिलिशियस ग्रेनोला की संस्थापिका पूर्वी पुगलिया है। आइए जानते हैं दी ऑ अवार्ड को लेकर और क्या कुछ कहना है आयोजक, सेलिब्रिटीज और जूरी मेंबर्स का। गाइस, हाय, दिस इज मी स्माइली सूरी एंड आई जस्ट वांट टू से आई हैड अ ब्लास्ट टुडे एट दी ऑ अवार्ड्स बाय पूजा जांबोटकर ऑफ द कांगा ट्रेनिंग फेम एंड अमित जांबोटकर, हर बेटर हाफ, एंड आई मस्ट से इट वाज सो इंस्पायरिंग टू आई कंसिडर माई सेल्फ ऑनर्ड टू जज सच go getters, such beautiful women, such super achievers, and you know, it just felt so good that women are doing so well. And Pooja, hats off to you. The whole experience of the awe awards, that you conducted them online and that you did such a good job of them, and to you, to your sponsors, to Amit, congratulations. I had a blast and I was super inspired this Sunday. Thank you, Pooja, for making me a part of the AWE Awards of 2021. And it is such a great initiative that you've started to give award to multitasker women out there. It just motivates, because what everyone wants is just an appreciation. And I was so happy to be a part of the event today in the jury. And I'm looking forward to many more such events and keep the good work going. It was an awesome time, though it was just online. We still felt like, you know, we were partying online. So I can just imagine that when maybe down the year we are having a personal event, how it'll be. You are just too good with the awards. And seeing all these ladies out there who were multitaskers, it was so difficult to choose. But hats off to you to promote something like this and appreciate something like this. I'm so glad and I had an awesome time at the AWE Awards. Hi everyone, my name is Purvi Pugalia. I was always interested in feeding something healthy to my husband, and I started making granola cereal at home, and I also started selling it through certain exhibitions and through the clients we already had.
and I never got a negative feedback on this. And that's when me and my husband, we decided to make it a brand by the name of Munchalicious. It is very tasty to munch, and licious, as in, you know, delicious and a munchie, which is also healthy. So that was the concept behind deriving this name. And I would say that Munchalicious cereal is, you know, it is no added preservatives, no harmful ingredients for the body. So it is a very safe choice for any woman or any individual to pick it up when you don't want to have a, you know, you don't have the time to cook maybe for a warm breakfast or something of that sort. This is a very safe bet to pick up and enjoy. And yeah, so congratulations to all the women award winners today. And please do try Munchalicious and enjoy. Have fun. Thank you. और नमस्ते, मैं पूजा जांबोडकर, मैं co-founder हूँ of the Awe Awards और अपना business चलाती हूँ under the name कांगा ट्रेनिंग इंडिया. ये Awe Awards हमने किया था Munchalicious के साथ. Awe Awards है appreciating worthy women, जो awe न करे वो औरत ही नहीं. सो हमने इस साल, ये दूसरा साल था, हमने बहुत सारी महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है उनको फेलिसिटेट किया इस अवार्ड के साथ. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ये हमने ऑनलाइन किया. एंड थैंक यू सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए, सारे नॉमिनीज को और सारे अवार्ड विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू.